नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। और डॉक्टर साहब, आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगना। इस बीमारी के और क्या सिम्टम्स होते हैं? जी, आप हैरान होंगे अगर मैं बताऊं कि बच्चों की डॉक्टर के पास गर्मियों में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर माएँ पहुंचती हैं कि हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा। आप समझ सकते हैं कि जब माँ के सामने उसका बच्चा ना खाए तो कैसी प्रॉब्लम हो जाती है, और ख़ासकर गर्मियों में तो ये मेजर प्रॉब्लम है। यानी हमारे 90% जो मरीज़ पहुँचते हैं वो सभी इसी प्रॉब्लम के साथ कि हमें भूख नहीं लग रही। मैं बताना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, क्योंकि जब भी गर्मी ज़्यादा हो तो हमारी बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, जो कुदरत ने उसमें डाला हुआ है कि जब भी गर्मी ज़्यादा होनी है तो पसीने की तौर से हमारे शरीर के अंदर से गर्मी निकालने का जो कुदरती तरीका है वो शुरू हो जाता है। यानी पसीना आएगा, वो उड़ेगा तो साथ ही शरीर की गर्मी ले जाएगा। सो इससे होता क्या है कि थोड़ी सी जो नॉर्मल मॉइस्चर होता है बॉडी का वो भी निकल जाता है, और जैसे जैसे पानी की कमी होने लगती है तो हमें थकावट होने शुरू हो जाती है। यानी सोडियम और पोटाशियम का लॉस होता है, तो उसी थकावट के साथ हमारे भूख ख़त्म होने लग जाती है, जो कि आम ही बच्चों का, ख़ास तौर पे उन्होंने भागना है, दौड़ना है, खेलना है, तो उसी हिसाब से उनकी भूख थोड़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और माओं की अपनी खाना उनका अंदर नहीं फिर जाता कि मेरा बच्चा भूखा है तो मैं भी कैसे खाऊं। तो इसी कारण ये नॉर्मल फिनोमेना जो कुदरत ने शुरू किया हुआ है, पर माँ सोचती है कि शायद मेरे बच्चे को कोई बीमारी हो गई है। जी डॉक्टर साहब, ये किसी एक एज ग्रुप में होती है या ये किसी को भी हो सकती है? जी नहीं, ये किसी को भी, बड़े छोटे किसी को भी हो सकती है, पर ज़्यादातर बच्चों को या बुज़ुर्गों को, क्योंकि उनमें ये लॉस जो होता है वो ज़्यादा होता है, और बुज़ुर्गों का असल में उन्होंने घूमना फिरना कम होता है, तो उसी कारण, यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई मूवमेंट ना हुई तो उसके कारण भी उनकी भूख मर जाती है। जी डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई और ट्रीटमेंट भी है? जी दरअसल, अगर हमें उसके पूरे कारण पता होंगे तो हम ज़रूर फिर उसका इलाज भी कर सकते हैं। कारणों में मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया, सिर्फ एक गर्मी ही नहीं जी। आजकल के दिनों में गर्मियों में जैसे गला ख़राब हो जाना, तो उसके हिसाब से भी, यानी आम सिंपल खांसी ज़ुकाम भी हो तो बच्चे की भूख मर जाती है, और माएँ ज़्यादा भूख के कारण पहुँचती हैं, ना कि उस बीमारी के कारण जी। फिर भी इसके अलावा बहुत सारे और कारण होते हैं जिससे बच्चा अगर डिप्रेस्ड फील कर रहा हो, घबराहट हो, एग्ज़ाम नज़दीक हो, कोई पेपर होना है, उसके अलावा भी अगर जिगर का कोई रोग हो, गुर्दे का रोग हो, दिल का कोई रोग हो, या इसके अलावा भी कई किस्म की दवाइयाँ भी होती हैं जिनके खाने से बच्चे की भूख मर जाती है। जैसे आम गला ख़राब, जैसे मैंने बताया, उसकी, क्योंकि आजकल बच्चे ठंडा पानी पी जाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, गला ख़राब हो ही जाता है, तो उसके कारण जो दवाई दी जाती है, एक तो गला ख़राब के कारण भूख मरनी है, एक जो दवा दी गई ख़ास तौर पे कोडीन या कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, मॉर्फीन भी, जो जिनको कुछ थोड़ी बहुत नशे की आदत हो वो भी भूख मार देती है, और ज़्यादा पानी पी लेने से। क्या करते हैं हम, जब भी प्यास लगती है गिलास भर के ठंडा पानी पी लेते हैं, सो वो जो ज़्यादा प्लेन वाटर हम ठंडा पीते हैं वो भी हमारी भूख ख़त्म कर देता है। सो बेहतर होता है कि गर्मियों में अगर हम नमक और चीनी मिक्स्ड, जैसे हम घोल जो कहते हैं टट्टियों में भी जो लेना होता है, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इसी मौसम में टट्टियाँ उल्टियाँ भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं, बाहर से खाना खा लेते हैं बच्चे जिससे ये गड़बड़ हो जाती है, तो अगर हम वो घोल बना के रखें जिसमें नमक चीनी और नींबू डाल के, जैसे नींबू पानी की तरह वो लें, तो वो भूख नहीं मरेगी जितना कि वो प्लेन वाटर से मर जाती है। तो एक तो ये ध्यान हमें बहुत रखना पड़ेगा कि हमारा पानी कम ना हो अगर रेगुलर लेते हैं। तो दूसरी, जैसे आपने बताया था कि क्या करें जी, दरअसल बच्चों का कुछ सिस्टम अलग होता है। उनका होता है कि जैसे खाना दो वक्त के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा सा चॉकलेट खा लिया जी, या कोई टॉफ़ी एक ले ली, या कुछ भी इधर उधर निकलते हुए कुछ जो मुंह में डाल लिया जी, उससे होता ये है कि जो उस समय की कंसंट्रेटेड जो डाइट चली जाती है
जैसे शुगर का हैवी अमाउंट एकदम चला गया चॉकलेट से, या कोई तली हुई चीज़ जैसे उन्होंने खा ली जिससे कैलोरीज पूरी हो गई, यानी घी ज़्यादा चला गया, तो ये काफ़ी लंबे समय तक भूख ख़त्म कर देती है बच्चे की। सो इन बिटवीन जो खाना है वो हमेशा ही लाइट होना चाहिए बच्चे के लिए, जैसे फ्रूट हो सकता है, सैलड हो सकता है, ये चीज़ें हों तो बेहतर है जी। और दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को अपने साथ लेके जाइए कि हमने जो बनाना है आज साथ चलो जी। तुम खुद सिलेक्ट करो क्या लेना है, और अगर उसके लेने के बाद अगर उसको हम ये ट्राई कीजिए कभी कि कुकिंग के लिए मेरे साथ आओ जी। तो वो बच्चे को आप देखेंगे एकदम क्या चेंज आती है कि उसको लगता है चीज़ लेने भी मैं गया और बना भी मैं रहा हूँ, काट भी रहा हूँ, और मैंने जो बनाई आप क्यों नहीं खा रहे, तो उसने खुद तो खाना ही है, आप देखेंगे वो बाकियों को भी खिलाता है कि आप भी खाओ। सो कोशिश कीजिए कि बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करवाइए ताकि उनकी भूख लगे, उनको लगती रहे, और सादा पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं दें प्लीज़, वो भी भूख मार देते हैं जी। आप नींबू पानी दें या लस्सी बना के दे सकती हैं, ये अच्छी हैं उनके लिए। और प्रोटीन की मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बढ़ रहे हैं, चाहे वो एडोलेसेंट हैं या किसी भी एज के जी, तो इतना पानी वगैरह लेने से प्रोटीन का लॉस हो सकता है। सो उसके लिए भी अगर आप लिक्विड प्रोटीन शेक्स उनको जो घर पे बना के दे सकती हैं तो वो दे सकती हैं, या चने जैसे आप भिगो के रात को वो दे सकती हैं, राजमा दे सकती हैं, यानी ऐसी चीज़ें, अगर एग लेते हैं तो एग दे सकती हैं, यानी प्रोटीन का उनका ज़रूर मात्रा पूरी होनी चाहिए ताकि पानी की कमी को ख़त्म करते करते ये ना हो कि हम बाकी चीज़ें उनकी मेजर रह जाएं। डॉक्टर साहब, बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको कई चीज़ें हजम भी नहीं होती हैं, तो ऐसे में बुज़ुर्गों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? जी, दरअसल बुज़ुर्गों के लिए एक और मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि उनमें कई किस्म की उस एज में कुछ बीमारियाँ भी हो जाती हैं जी। बहुत कम है जो बिल्कुल बिना किसी बीमारी के हों, यानी किसी को ब्लड प्रेशर की होती है, किसी को गुर्दे की, किसी को डायबिटीज़ है। सो अलग अलग किस्म की बीमारियों के हिसाब से, यानी कुछ ऐसे हैं जिनको कैंसर, जो स्लो ग्रोइंग कैंसर्स होते हैं, ये सभी ही भूख मारते हैं, पर उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर वॉकिंग तो उन्होंने करनी ही करनी है जी। यानी अगर रेगुलर वो डेली सुबह निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो उसके साथ एक तो उनकी बोन्स स्ट्रांग रहती हैं, मसल्स स्ट्रांग रहती हैं, और साथ की साथ उनकी जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लाइट हो जाती है उससे उनकी भूख भी लगने शुरू हो जाती है। और बड़ी बात ये कि अंदर कमरे में अगर बैठे रहेंगे तो डिप्रेशन उस उम्र में काफ़ी ज़्यादा पकड़ लेती है। सो उनको चाहिए वो निकलें घर से बाहर, मिलें लोगों को, अपनी मुश्किलें बताएं, दूसरों की सुने, दोस्तियां, इस वक्त ये उम्र होती है जब आप रिवाइव करते हैं, उनसे दोबारा मिलें, बहुत खुशी होती है कि हम अपनी बचपन की बातें याद करें, उनसे मिलें। सो एक दूसरे से जब शेयर करते हैं तो दुख बांटने से कम भी हो जाते हैं क्योंकि उस वक़्त तक बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, हमें अपने बच्चों से, बच्चों के बच्चों से, कुछ ना कुछ। सो वो सारा कुछ शेयर करते हैं तो फिर अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं वो। क्या डॉक्टर साहब इसकी कोई मेडिसिन भी होती है? जी, बुज़ुर्गों में जिस किस्म की बीमारी हो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, यानी जो अगर उनको डायबिटीज़ है, शुगर की तकलीफ़ है, तो उसकी ज़रूर साथ ट्रीटमेंट चलनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ब्लड प्रेशर का है तो उसकी, या किसी और अंग की अगर वो काम नहीं कर रहा, यानी किडनी या किसी भी चीज़ की, तो वो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ अगर रेगुलर ना भी हो, क्योंकि उस वक़्त एज में आप देखेंगे चमड़ी थोड़ी सख्त हो जाती है जी, तो आपको पता नहीं चलता आपकी डिहाइड्रेशन हो रही है या नहीं क्योंकि उतना पसीना आता नहीं है, पर उनको चाहिए कि रेगुलर अपना पानी की जो इनटेक है वो ठीक रखें, और जितना, यानी आप अगर को पास मिन के अगर रख सकते हैं कि ये मेरी बॉटल पड़ी है, इतनी मैंने लेनी है, तो वो रेगुलर लेते रहें, तो आप देखेंगे कि उनको ये जो घबराहट या थकावट, ये चीज़ें कम हो जाएंगी, बशर्ते कि आप नींबू पानी ज़रूर रेगुलर लेते रहें। पर अगर डायबिटीज़ है तो आप उसमें शुगर नहीं डालें, यानी बीमारी के हिसाब से, अगर किडनी की है कोई ऐसी प्रॉब्लम जहाँ नमक नहीं लेना तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं। सो वो डॉक्टर की सलाह से आप उसी हिसाब से ले सकते हैं, पर उनको भी प्रोटीन ज़रूर चाहिए जिस भी रूप में आप ले सकते हैं, यानी आप दालें लेते रहें रेगुलर,
या पनीर ले सकते हैं या दूध रेगुलर लें, क्योंकि इस वक्त कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है. सो धूप तो आप इतनी है कि आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं, पर खुराक ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी. जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? जी, गर्मियों में अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ज़्यादा घी वाली तली चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हैं जो एक तो हज़म छेती जल्दी नहीं होती, और जो दूसरी प्रॉब्लम कर देती हैं वो ये कि भूख आपकी नेक्स्ट जो खाने का टाइम है उसकी भी ख़त्म कर देती हैं. सो कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर सैलड्स ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़रूर लें, और लिक्विड अगर डाइट ज़्यादा लेते रहेंगे, जैसे आपने कभी चाय ली, कभी लस्सी ली, कभी शिकंजी ली, इस तरह अगर अलग अलग चीज़ जैसे बिल का सूप हो गया या फ्रूट जूस फ्रेश आप फ्रेश निकाल के ले सकते हैं. सो ऐसी चीज़ें रेगुलर लेते रहेंगे, और ख़ास तौर पे अगर खाने के साथ आप फ्रेश जूस लेते हैं तो जितना खाने के अंदर आयरन होता है वो एब्ज़ॉर्ब, क्योंकि उसका विटामिन सी जो है वो एब्ज़ॉर्ब करने में मदद कर देता है. सो आपको वो डाइट अच्छी हज़म भी हो जाएगी और उसका इफ़ेक्ट भी अच्छा होगा. डॉक्टर साहब, जो वर्किंग वुमन होती हैं उनकी डाइट किस हिसाब से होनी चाहिए? जी, उनकी ज़्यादा लाइफ एक्चुअली हैक्टिक होती है, क्योंकि उन्होंने सुबह घर का काम भी करना है, बच्चे भेजने हैं, उनकी खाना प्रिपेयर करना होता है, फिर अपना जाना है, अपना काम करना है, फिर वापस आने पे फिर घर का और सारा कुछ संभालना होता है. सो उनकी डाइट के लिए थोड़ी और कंसंट्रेटेड उनको ज़्यादा एनर्जी देती रहती है. जैसे मैंने बताया कि वाटर बॉटल तो उनके पास हमेशा होनी ही चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो, पर मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ये आपको गड़बड़ कर सकते हैं. उसी तरह आइसक्रीम्स या चॉकलेट्स ये नहीं ठीक हैं. आपने अगर क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ का अगर है, क्योंकि डिपेंड करता है किस तरह की जॉब है, अगर तो कंप्यूटर के पास है या बैठने की जॉब है तो कोशिश कर सकती हैं आप हल्का सैंडविच जिसमें आप वेजिटेबल्स या खीरा टमाटर काट के और उस तरह का लाइट आप साथ में सॉस लगा के वो ले सकती हैं, या आप छोटे साथ में बिस्किट्स रख सकती हैं नमकीन या मीठा, अगर उस समय आपको बीच में किसी टाइम ज़रूरत पड़ती है. बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ना लें क्योंकि ये आपकी भूख ख़त्म कर सकती हैं. सो इन बिटवीन स्मॉल डाइट्स के साथ आप रेगुलर अच्छा ब्रेकफास्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें अगर एग लेती हैं तो यानी प्रोटीन अगर जो ले सकते हैं तो आप एग ले सकती हैं, या अगर नहीं तो फिर सुबह का अपना दही दूध या पनीर के साथ ये ज़रूर अपना मॉर्निंग डाइट कंप्लीट कर लीजिए. और इसी तरह दोपहर को आप हल्की चपाती या दाल या इस तरह की लाइट जो आप स्नैक्स की तरह से जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, पर इन बिटवीन का पीरियड ज़रूर लेते रहें, जैसे मैंने बताया, चाहे वो हल्की सी चाय के साथ या फ्रेश जूस के साथ आप छोटे जैसे ब्रेड सैंडविच कुछ ज़रूर ले सकती हैं. डॉक्टर साहब, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को समय दिया. उम्मीद है डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जानकारी आपको चुस्त और तंदुरुस्त रखने में सहायता प्रदान करेगी. अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.